हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ मेहंदी। सुबह के बज रहे हैं अभी 4:31 और मैं 4:32 और मैं नहा के आ गई हूँ। शुरुआत करते हैं दिन की सरगी खाने से फटाफट से, और चुप रहते हैं क्योंकि सब लोग सो रहे हैं और खाना खा लेते हैं। भूख लग रही है, भूख लग तो नहीं रही बट खाना तो पड़ेगा क्योंकि बाद में फिर भूख लग जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो पानी पी लेती हूँ क्योंकि बाद में फिर पानी पीने मिलेगा ही नहीं। और बिल्कुल हमें ना मतलब डिम लाइट की हुई है क्योंकि मैं उठी हुई हूँ लेकिन बाकी दो जन सो रहे हैं, जसप्रीत और कुदरत। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि सरगी में मैं क्या खाने वाली हूँ। दो पराठे हैं यहाँ पर गोभी के और यहाँ पर दही है, तो यही मेरी सरगी होने वाली। चाय वगैरह मैं ना आजकल पी नहीं रही, मुझे अच्छी नहीं लग रही पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे कुदरत सो रही है और ये हैं जसप्रीत, दोनों सो रहे हैं। तो चलो फटाफट से खा लेते हैं खाना। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं। जसप्रीत चले गए और कुदरत को भी मैंने बाहर बिठाया हुआ है। संडे का दिन है ना, तो छुट्टी है आज, तो वो बाहर बैठी है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेस है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि खाना नहीं खाया है तो काम नहीं करना, काम तो करना पड़ेगा क्योंकि पूरा दिन हम ऐसे मेस में तो बैठे नहीं रह सकते। तो आप मेरा यहाँ पे सूट देख सकते हो, पिंक कलर का सूट है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, कंफर्टेबल भी था काफ़ी। और चलो जल्दी से हम काम वाम अपना ख़त्म कर लेते हैं। तो कमरा साफ़ करते करते मुझे अचानक से याद आया कि मैंने अपने लिए ज्वेलरी तो निकाली ही नहीं है जो शाम को पूजा के वक्त पहननी है। तो यहाँ पे मैं अभी अपनी ज्वेलरी वगैरह देख रही थी क्योंकि कुदरत बाहर थी, थोड़ा बिजी थी, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से देख लेती हूँ। और अगर कुदरत आ गई तो वो मुझे कोई भी काम नहीं करने देगी, स्पेशली ये वाला काम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ऐसी चीज़ें। मैंने अभी तक अपनी बेडशीट बैंगल्स हो गई, ये सारी जो ज्वेलरी वगैरह वो सब बिखेर, बेडशीट मैंने अभी तक नहीं बिछाई, तो इसलिए मैं जरा चलो देख लेती हूँ क्या पहनना है क्या नहीं, डायपर नहीं पहना रहे हैं फटाफट से। और दिन रात में तो क्या, दिन में भी हम उसे नहीं पहनाते बिल्कुल। अब हमने उसको डायपर फ्री कर दिया, वो बता देती है, बट रात को हमें उसे उठा उठा के सुसु कराना पड़ता है कई बार, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम आ गया तो बच्चे मतलब सुसु कर देते हैं। दो बार तो हमने उसे उठाया लेकिन तीसरी बार उसने फिर सुसु कर दिया, तो इसलिए मैंने इस बेडशीट को अभी हटाया हुआ है। इसे मैं डेढ़ दो घंटे अभी ऐसे ही रखूँगी, थोड़ा सूख जाएगा तो फिर मैं उसके ऊपर दोबारा नई बेडशीट जो है वो बिछाऊँगी। देखो इसको, सारी की सारी नेल पेंट्स लेके बैठ गई है। मैंने ना अभी जस्ट नेल पेंट लगाई है। क्या कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ गंदी बात बेटा, टुट्टू नहीं होनी चाहिए इसमें से कोई भी। ओए ओए ओए, आज मैं काफ़ी दिन बाद मतलब ब्लॉग बना रही हूँ। ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुकी हूँ बट इस तरीके से फेस स्कैन कर रही हूँ ना, तो इतने ना मतलब अजीब लग रहा है। मैं तो भूल ही गई मैं अपना ब्लॉग कैसे स्टार्ट करती हूँ इतने दिन बाद, मतलब मुझे मतलब शर्म आनी चाहिए कि इतना गैप नहीं देना चाहिए था मुझे। मतलब मेरा चैनल अभी काफ़ी डाउन हो गया, बहुत डाउन हो गया। कोलैबोरेशन भी नहीं ले रही थी मैं, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग पे आ रही होगा। मुझे अभी थोड़ा टाइम देना आपको प्रोडक्ट को है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा काम थोड़ा सा मैंने बीच में थोड़ा रोक दिया था, बट अभी मैं दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो सके मैं एक्टिव रहूँ, ठीक है। बट लाइक कर देना ब्लॉग को, ठीक है, पूरा ज़रूर देखना। अब तो फिर 11 बजे हैं। वैसे करवा चौथ का जो दिन होता है ना वो थोड़ा सा बोरिंग होता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। फेंको नहीं नीचे गिर जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग सा होता है। कमेंट करके बताना आपको भी ऐसा लगता है क्या, मुझे तो पूरा दिन नींद आती रहती है और अभी भी मुझे नींद भी आ रही है। हाँ जी, सो अभी 4 बज रहे हैं और मैंने अभी बाहर पार्क में जाके देखा तो बहुत सारी लेडीज़ आई हुई थी, मतलब पूजा चल रही है बट अभी सेकंड राउंड में मैं बैठूंगी पूजा में, तो मैंने सोचा फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे मैं मेकअप कर रही थी हल्का फुल्का सा, जो मेरे हाथ में आ रहा था मैं फटाफट लगाई जा रही थी। मुझे ये था यार मैं कहीं लेट ही ना हो जाऊँ, पंडित जी उठ के भाग ही ना जाएँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार जो हो रहा है ना, अब जो हाथ में आ रहा फटाफट से अब कर लो, मत सोचो इतना, फटाफट जो भी है
मेकअप कर लो जल्दी से। और यहाँ पे मैं आराम से मेकअप इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि पीछे आप देख सकते हो कुदरत आराम से सो रही है। अगर वो उठी हुई होती ना तो मैं मेकअप बिल्कुल नहीं कर पाती। तो आप ना मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर वो पहले वाला पिंक वाला। मुझे ना इसका कलर बड़ा ज़्यादा पसंद था और ये कलर शायद मेरे पास पहले था भी नहीं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शाम को पूजा के टाइम ये वाला सूट पहनूंगी। ये एक्चुअली सूट मेरी मम्मी ने मुझे दिया है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको मैं ना पूजा के टाइम ही पहनूंगी। बहुत ही कम्फर्टेबल था। और करवा चौथ पे ना मतलब मैंने ये चीज़ देखी कि आपको हैवी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लाइक लहंगा। कई लोग साड़ी पहनते हैं, साड़ी अच्छी भी लगती है बट मैं संभाल नहीं पाती हूँ मुझे, क्योंकि एक हाथ में थाली और वो जल वगैरह होता है, फिर दिया भी संभालना होता है, तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी ना कंफर्टेबल नहीं होती ऐसे ना कपड़े हैवी हैवी पहनने में, स्पेशली करवा चौथ वाले दिन। सो कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके के कपड़े पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है करवा चौथ वाले दिन। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने फटाफट से एक क्लिप ले लिया, पीछे मम्मी खड़ी हैं, मम्मी कहती है मैं पीछे हो जाती हूँ, तो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, सेकंड राउंड चलने वाला था यहाँ पे, तो फटाफट से मैं भी बैठ जाती हूँ। साढ़े 5 हो गए और इस अब से लेकर 9 बजे तक चाँद का वेट करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं पता कि चाँद 9 बजे आएगा, बट 9 बजे के आसपास ही आता है, बट बहुत मुश्किल होती है यार चाँद का वेट करना। और सूट तो मैंने आपको दिखा ही दिया था, ये मेरी मम्मी ने मुझे दिया इस करवा चौथ पे, और ये चूड़ियाँ भी आप देख सकते हो, ये भी मम्मी ने दी थी। ठीक है यार, पता है क्या मैंने बताया ना आपको, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि करवा चौथ का अगर हम हैवी कुछ भी आउटफिट पहनते हैं तो बड़ी मुश्किल से संभाला जाता है। चप्पल भी अगर हम ये ना अगर हील वाली पहन लेते हैं तो बहुत ही मुश्किल से मैनेज होता है, क्योंकि हाथ में थाली होती है और एक वो दिया जल रहा होता है तो बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है, तो इसलिए सूट ही सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाँद निकल आया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था चाँद, और चाँद पहले ही निकल आया था, थोड़ा जल्दी आ गया था 8:15 के करीब, पर मुझे जो है 8:30 पता चला। और यहाँ पे मम्मी समझा रही है, हर साल मम्मी बताती है ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मैं भूल जाती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मम्मी इंस्ट्रक्शंस दे रही है यहाँ पे पीछे से, मैं बार बार कन्फर्म कर रही हूँ कि ऐसे ही करना ना ऐसे ही करना ना। और ये देखो जसप्रीत को आराम से खड़े हैं भाई साहब जी मतलब पति देव जी आराम से खड़े हैं, और यहाँ मैं यहाँ पे अर्घ दे रही हूँ चंदा मामा को। और यहाँ पे ना आपको पता सबके रिचुअल्स जो है वो अलग अलग होते हैं, हो सकता है आपका कुछ और हो, आप कुछ और करते हो और मैं यहाँ पे कुछ और कर रही हूँ, तो यहाँ पे प्लीज़ आप जज मत करना किसी भी चीज़ को कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हर घर के हर धर्म के रिचुअल्स जो है वो अलग रहते हैं। ठीक है जी, तो बस आप यहाँ पर थोड़ा इन्जॉय करो व्लॉग को। और यहाँ पे ना मैं इसमें से छनी में से जब जसप्रीत की शक्ल देख रही तो मुझे हंसी आ गई, तो मम्मी ने ठोका कि भाई हंस क्यों रहे हो, तो तुम हंसो मत ऐसे। और चांद को तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, मतलब वीडियो मैंने ली नहीं, तो बस यार यही था, छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था, काफ़ी छोटू सा था क्योंकि हेल्प करने वाला कोई नहीं था ना, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं था, मैं खुद ही अपना जो फ़ोन है वो पकड़ती हूँ ब्लॉग करती हूँ, तो इसलिए कुदरत को प्लीज़ देख के ज़्यादा जद मत करना, वो रात को थोड़ा ऐसे ही घूमती रहती है। और यहाँ पे एंड होता है मेरा ये ब्लॉग, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, अगर कुछ भी गड़बड़ है या कुछ भी आपको लगता है तो कॉमेंट करना, और मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रहूँ आप लोगों के लिए, व्लॉग्स लेके आऊँ, अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि अब तो विंटर्स आने वाली हैं और विंटर स्किन केयर भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, बहुत सारे DIY मैं लेके आऊँगी, तो प्लीज़ आप लाइक करके थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर देना प्लीज़ गाइज़ प्लीज़। सो यहाँ पर मैं अपने छोटे से व्लॉग को एंड करती हूँ, बाय, लव यू गाइज़।